डाक्तर एवं बड़ लोक माने सकाळ उठि खाली पेटरे हालुका उषुम पानी पीबा पई परामर्श देथांती। एपरी करिबा द्वारा सहजरे पेट सफा होई जाय एवं एसिडिटी समस्या थिबा लोकमानको पई लाभकारी होइथाय। जानंतु हालुका उषुम पानी रे एक चमच हळदी पकाई सेवन करिबा द्वारा केउ प्रकारर लाभ मिलिथाय। हळदी रे मिलुथिबा लाभ समस्ते जानंती। हळदी को आंटीसेप्टिक कहा जाय। यह आमको विभिन्न संक्रमण रोग सह लड़ापाई शक्ति प्रदान करिथाय। शरीर भितर रोग एवं शरीर बाहर रोग को भल करिबारे हळदी बेस काम करिथाय। एही कारणरु भारतीय परिवाररे अधिकरु अधिक हळदी को व्यवहार करा जाय। सकाळ उठिबा परे हालुका उषुम हळदी पानी सेवन करिबा द्वारा आपणकर पेट एवं छाती जलापोड़ा कम होइथाय। किछि लोक माने मध्य रात्रि अधिक खाद्य खाइबा कारणरु सकाळ उठिबा परे छाती जळा पोडा हेबा भळी लागिथाय। एही समय रे हळदी पानी सेवन करिबा द्वारा आराम मिलिथाय। जे लोक मानकर सर्वदा एसिडिटी एवं छाती जळीबार समस्या रहिछि सेही व्यक्ति माने सर्वदा हळदी पानी सेवन करिबा उचित। एक सप्ताह मध्य रे आपण एहार प्रभाव देखिबा को पाइबे। मानसिक रोग दूर करे। हळदीरे थिबा कर्कमिन तत्व आमर मस्तिष्क पाई लाभकारी होइथाय। मानसिक रोग को रक्षा करिबा पाई जे ब्रेन डिराइन न्यूट्रोफिक फैक्टर आवश्यकता रहिथाय ताहा हळदीर कर्कमिन तत्वर मिलिथाय। एहाकु सकाळु सेवन करिबा अत्यधिक लाभकारी होइथाय। कैंसर रोगरु रक्षा करिथाय। हळदी पानी रे आंटीऑक्सीडेंट बा आंटीथेसिस रहिथाय। एहा शरीरर कोशिका गुडी को नष्ट करिबार तत्व सृष्टि करिनथाय। पेट रोग एवं छाती रोग पाई लाभकारी होइथाय। सकाळु खाली पेटरे हळदी पानी सेवन करिबा द्वारा आमर पाचन शक्ति मजबूत होइथाय। एहा सेवन करिबा द्वारा पेट सफा रहिथाय एवं भोक मध्य लागे। एहा व्यतीत हळदी अत्यधिक मोटापण एवं कोलेस्ट्रोल को कम करिथाय। गंठी जनित समस्या दूर करे। गंठी जनित समस्या थिबा लोकमानक पई हळदी पानी बहुत लाभदायक होइथाय। 2012 वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तरर एक सूचना अनुसार हळदी गंठी जंत्रणा को दूर करिबारे सहाय्य करिछि। विशेष करी एहाकु तरल पदार्थ रूपरे सेवन कले अत्यंत लाभकारी होइथाय। मधुमेह बा डायबिटीज को दूर करे। 2009 वर्षर एक सूचना अनुसार हळदी सेवन करिबा द्वारा मधुमेह रोग कम होइथाय एवं एहा बढ़िबा स्तर को मध्य कमाई थाए। एहा व्यतीत हळदी पानी किडनी पाई मध्य लाभकारी होइथाय। तेणु प्रतिदिन सकाळ उठि हल्का उषुम पानी रे हळदी पकाई सेवन करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट केनेस ओडिसा।